वरकातों मैं ये आड़े पहाड़ी की दरगाह से बोल रहा हूँ। मैं कमान आड़े पहाड़ी की दरगाह कमान, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, लाइट की प्रॉब्लम है, नल की प्रॉब्लम है, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है। यहाँ पे हर दिन एक लड़ाई कंपलसरी होती है यहाँ पे, और दो दिन में जिस दिन नल आता है यहाँ पे, एक दिन एक जने तो कोई ना कोई गिरते ही गिरते हैं। और बोलना मतलब यही है अपने को, यहाँ से हम एक 15 से 20 बार दारुसलाम गए हम, रोड के लिए, ड्रेनेज के लिए, नल के लिए। हमारे शफी भाई साहब लीडर यहाँ के हैं, यहाँ पे कोई तवज्जो नहीं देते, यहाँ पे ना नल के लिए देते हैं, ना लाइट के लिए देते हैं, ना रोड के लिए देते। हम उनको बताते हैं, हम उनको हर बात बताते हैं, यहाँ की तकलीफ बताते, कोई तकलीफ को एक्सेप्ट नहीं करते शफी भाई। और दूसरी बात ये है, यहाँ पे हमारे को जो तकलीफ है, हमारी तकलीफ कोई नहीं समझ रहे। हम यहाँ से इतनी बड़ी चढ़ाव है, चढ़ाव से नीचे आके हम मोटर लगाते पानी की, दो दिन में एक बार नल खुल रहा है, अभी पहले 4 दिन में एक बार खुलता था। प्रॉब्लम परेशानी बहुत है साहब, हमारे मोदीलाल साहब नायक साहब को फ़ोन करते, आते बेचारे 4 महीने में 3 महीने में एक बार आते, फूल पहन लेते बेचारे, अल्हम्दुलिल्लाह चले आते 2 महीने में आरी रोड, 2 महीने में काम हो रहा, अभी तक कोई काम नहीं हुआ। कॉर्पोरेटर कौन है यहाँ के? मोदीलाल नायक साहब है यहाँ के कॉर्पोरेटर। कुछ भी नहीं करते साहब, हर 2 महीने में 4 महीने में हर 4 महीने में 2 महीने में 3 महीने में हम जिस दिन दारुसलाम जाते उसके दूसरे दिन मौजूद रहते हैं यहाँ पे, उन्होंने फिर बोल के दिलासा दे के जाते कि इंशाल्लाह आ जाती रोड, हो जाता यही बोलते। अभी तक तो कोई आज ऐसा बुरा हादसा हुआ, गाड़ी इतनी बड़ी चढ़ाव है यहाँ पे, गाड़ी स्लिप हो गई, गाड़ी रिटर्न हो गई, वापस हो गई, बच्चे की जान जट जाती, बच्ची छोटा मासूम बच्चा, और बूढ़े भी आते हैं यहाँ पे, जवान भी आते हैं, बच्चे भी आते, दो तीन आदमी गिर रहे, बूढ़े भी आते हैं, बच्चे भी आते हैं यहाँ पे। क्योंकि अल्लाह ना करे अगर ऐसा कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार उसके, बोलिए। यहाँ पे हम परेशान हैं, हम रोड के लिए परेशान हैं, नल के लिए परेशान हैं, ड्रेनेज के लिए परेशान हैं। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह आड़े पहाड़ी के दरगाह के ज़रा आगे में राइट साइड पे एक मस्जिद बन रही, वहाँ मस्जिद बनाने के लिए सोच रहे हैं, यहाँ पे ड्रेनेज नहीं है, वहाँ पे वजू खाना बनाएंगे तो कहाँ जाएगा पानी, बाथरूम बनाएंगे तो कहाँ जाएगा पानी, वो सोच रहे हैं। मैं जाके, मैं इससे पहले जाके मैं दारुसलाम में ये कंप्लेन किया, मैं बोला मैं साहब ऐसी ऐसी बात है, इंशाल्लाह लाइट की भी प्रॉब्लम है, बोल रहे जाके वहाँ लाइट के लिए हम बताए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हमारे एरिया के MLA साहब मौजम खान साहब हमारी सपोर्ट करे, इमिडिएटली एक्शन लिए, हमारे भुजाए यहाँ पे भिजा के क्रेन नहीं आती बोले थे जंक्शन के लिए, अभी तो ये क्रेन आ गया, अभी तो सामने ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ तो अभी क्रेन आई यहाँ पर, क्या क्रेन नहीं चढ़ती यहाँ पर बोले, जबकि क्रेन नहीं चढ़ती आपको मालूम है, फिर रोड का ये प्रॉब्लम रखते पर फिर क्यों ये काम नहीं करा रहे? मोती नायक साहब बोले 32 लाख का सेंक्शन हुआ, ड्रेनेज का हुआ, नल का हुआ, रोड का हुआ, आए परसों आके बोले 20 दिन में काम स्टार्ट हो जाएगा, इंशाल्लाह काम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में कोई काम अमल में नहीं आया। लाशें डेड बॉडियां हम ऐसा बेडशीटों में डाल के लेके जा रहे हैं साहब, डोला नहीं लेके जा सकते यहाँ से, हम आपको फोटो तक बताएंगे यहाँ पर, ये जो रास्ता अभी देख रहे हैं आप, ये रास्ता पूरा हम लोग खोद के पत्थर फोड़ा के हम लोग काम कराई, सो ये कोई गवर्नमेंट काम नहीं करी हम लोग, फिर भी हम तायद करते हैं, हमारी जमात है, हमारी हमारे मुसलमान है, ये कौम के हैं, मुल्क हम तायद करते हैं, हम उस चीज़ से कोई इनकार नहीं कर रहे हैं। अभी मोती नायक साहब आते कभी भी हमेशा आते आके बोलते कि भाई काम करेंगे हम, फलां करेंगे हम, क्या है ना पानी का जंक्शन लगाएंगे यहाँ पर, और जो है ना आपको नल का सहूलत देंगे, मगर कोई चीज़ अमल में नहीं आ रही, सिर्फ पहाड़ वालों के लिए हो रहा, आगे पीछे क्या है ना हर जगह जहाँ डेवलपमेंट नहीं है वहाँ पर रोड है, ड्रेनेज है, नल है, हर चीज़ है, यहाँ पर नहीं है। आप अब यहाँ से देखो इतनी रोड पर से कैसे आएंगे लोग, कहाँ पर जाएगा ये पानी, आप ऊपर चढ़ के देखिए, एक चीज़ अमल में नहीं है, क्यों भाई हम आवाम नहीं है क्या, क्यों हमारे से तकलीफ क्यों,
क्या हम किसी का क्या तकलीफ कर रहे थे? अभी मस्जिद बन रही है वहाँ पर, सामने मस्जिद बन रही, अभी उसका वजू का पानी कहाँ जाना? कोई अमल में कोई मस्जिद बन रही बोल के कोई ताउन तो नहीं करेंगे? जो पब्लिक भी मिलके कर रही तो वो भी काम अमल में नहीं है किस क्यों भाई? हम दारुसलाम को आज से नहीं, हम 16 साल से जा रहे हैं, हम 16 साल से ऊपर बस्ती में, 16 साल से भी केयर नहीं करे। एक गाड़ी नहीं आती थी वहाँ नीचे 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 पर, वहाँ पर गाड़ी रख के हम पैदल ऊपर आते थे। आज ये हालत में पहुँचाए तो सिर्फ हम, कोई कोई पार्टी कोई काम नहीं करी अभी तक। इतना हाथों से बना रहे हम लोग, हाथों से थोड़े थोड़े डाल लेके रोड बनाए तो गाड़ी ऊपर आ रही, नहीं तो पूरा सामान नीचे उतरता था, हम खम्भे डाल लेके लेके जाते कैसा कर, लाशों में चिंदियों में डाल लेके लेके जाना कैसा, बीमारों को कैसा लेके जाना, बुढ़े बड़े हम लोग 10 वक्त, अब तो रोज 2-3 गिर रहे हैं यहाँ पे, दो तीन गिर रहे, कैसा करना बोलिए आप लोगा? हम लोग ना रोजदारा रह के रोड का काम करे, ये महल्ले के बच्चे काम करे। प्रॉब्लम ये है, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है यहाँ पर, नल का प्रॉब्लम है, रोड का प्रॉब्लम है, और ये सब पर मस्जिद बन रही पूरा पानी नीचे आ रहा पूरा वजह का, क्या हम लोग गिर रहे हैं यहाँ पर, क्या मस्जिद तैयार होने वाली है? मस्जिद तैयार होने वाली है अभी, नहीं बनी मस्जिद, तैयार होने वाली है, परेशानी आती क्या? अब दुनिया की परेशानी, कितने गिर रहे हैं हम लोग, खुद ही यहाँ गिर रहे हैं।